और मैंने अपने बाप से अहद किया है 10 मुहर्रम के दिन जब मैंने अपने वालदे गिरामी से बैत के लिए कहा, तो 2 साल 3 साल टालते रहे। फिर मुहर्रम की शाम थी कि मुझे बुलाया और मैं जब आपके हाथ में हाथ दिया तो फरमाने लगे, जानते हो आज दिन कौन सा है? तो मैंने फिर अहद किया था कि जीऊँगा तो आपके लिए और या रसूलल्लाह मरूंगा तो आपके लिए और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक या रसूलल्लाह आपके दीन के लिए वक्फ रहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फरमाने लगे कि तमा नहीं करना, अगर कोई मोहब्बत से पेश करे तो मना नहीं करना और जब फिर ले लो तो फिर जमा नहीं करना। ये सारी ज़िंदगी मैं रात को आता था ना जब दरसे कुरान से, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं अब्बा जी से इजाजत के बगैर गया हूं। आज मैं पहली मतलब हमें तलकीन सब्र है, वज़न क्या लुट गया, किसी का बाप फौत हो जाए तो कितना दुख होता है, किसी का उस्ताद फौत हो जाए कितना दुख होता है और किसी का शेख चला जाए, दुनिया अंधेरा नहीं हो जाता और जिस शख्स के सारे रिश्ते इकट्ठे चले जाए, जब भी आया हूँ रात 3 बजे आया हूँ, 4 बजे आया हूँ, 2 बजे आया हूँ, उनकी आंखें मेरी मुंतजर रहती थी, आह वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत ना आने से रहेगा बेकरार, आरजू लेकर तेरी खाक के तुरबत में आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। हैफ दर चश्म ज़दुन सोहबत यार आखर शुद, रूए गुल सैर नदीदम व बहार आखर शुद। तो मैं बात कर रहा था उनकी तरबियत के हवाले से कि मैं जब आता तो उनकी आंखें मेरा इंतजार कर रही होती और मैं एक हदीस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की है कि जब अपने वालदैन बुढ़ापे में चले जाएं तो उनसे ऐसी बातें करें कि वो खुश हो जाएं। तो मैं आके ज़्यादा खिदमत तो नहीं हम नहीं कर सके, तो मैं आके उनकी टांगों पे पाँव पे हाथ रखता तो 2-1 मिनट के बाद ही मुझे कहते कि चलो थके हुए सो जाओ, तो मैं जाके सो जाता। मेरी वालदे गिरामी की चारपाई के बिल्कुल साथ चारपाई थी, मेरा ये ख्याल होता मैं इनको नहीं देखूंगा, इनकी निगाहें तो मेरे ऊपर पड़ती रहेंगी। तो मैंने कहा अच्छा आप एक दिन ऐसा हो, मैंने कहा पहले आप सोएं, तो कहते ठीक है। ये तकरीबन 6-4 माह की बात है, तो मैं चारपाई के ऊपर झुका हुआ, तो मैंने कहा पहले आप सोएं, कहते ठीक। मैंने कहा अब्बा जी आंखें बंद करें, अब्बा जी आंखें बंद कर, अब मैं खामोश हो गया, अब्बा जी समझे कि चला गया। आंखें खोली तो मैं खड़ा था, तो जल्दी से आंखें बंद कर, तो फिर हंसने लगे और आंखें नहीं खोल रहे पर हंसे जा रहे कि मैं खोली और ये सामने। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आंखें खोल ली, तो मैंने कहा आपने फिर खोल ली, तो रो पड़े कहने लगे तुझे देखने के लिए खोली। दो साल कबल जब मेरी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हुई तो मैं दरसे कुरान की राहों में था और मुझे अच्छी तरह याद है कि आखिरी शब जब मैंने जेलम से भी दीने से भी आगे जाना था तो मैंने अपनी अम्मी से इजाज़त चाही, उन्होंने रो कर कहा था कि बेटा जाओ। जुमातुल मुबारक पिछले जुमा को मैं अब्बा जी से
इजाज़त लेकर जब कैंट जुमे के लिए जाने लगा तो उनके चेहरे पे मुस्कराहट फैल गई और बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरी समझ में ना आया क्या माजरा और क्या मामला है, चला गया। उसके बाद पिछले जुमातुल मुबारक को मैंने असर के बाद कामों की में गुफ्तगू करनी थी, एक फौतगी हुई थी, चेलम का ख़त्म था, तो लोग बाद में मुलाकात के लिए काफ़ी आए हुए थे, असर की जाने यहीं होने लगी। तो मोहतरम मुझे लेने के लिए जो आए थे उनकी तश्वीश मेरी नज़र में थी, लेकिन वो मजबूरी थी कि जो है वो असर की जाने थी। तो मैं अपने मामूल के मुताबिक मैंने कहा आप गाड़ी में बैठे, मैं ज़रा घर से हूँ, इजाज़त दें। तो चारपाई पर लेटे हुए थे तो आखिरी उनसे मेरी वो मुलाकात हुई, फरमाने लगे खैर नल जाते खैर नल। मैं चला गया लेकिन तबीयत में उदासी थी। तीन चार लोग मेरे साथ थे, यहाँ भी अब मौजूद हैं, मेरा वो सालबान भी। जब हम रास्ते में सर पड़ी और उसके बाद जब हम इमनाबाद से निकले तो सूरज ग़ुरूब हो रहा था, ऐसे में जैसे मेरा दिल डूब रहा है, पता ही नहीं था क्या होने वाला है। तो मैंने इन सब को कहा, मैंने कि देखो कि जब सूरज असर के वक्त पहुंचता है तो कितनी जल्दी ग़ुरूब हो जाता है, और ऐसा दर्द था उस सूरज में, कोई पैगाम दे रहा था जो हम ना हर लोग ना समझ सके, शायद उसका पैगाम कुछ समझने वाला होता तो वहाँ से पलट आता। लेकिन मेरा ये मकसूम था कि जब मेरे वालिद गिरामी की आखिरी सांस आई तो उस वक्त मैं दरसे कुरान दे रहा था। मेरे मालिक, जिंदगी में मैंने जो भी कमाई की अगर तुझे कोई कबूल है, मैं सब कुछ अपने बाप के नामा अमाल के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमा दे। आपने कहा था मेरी कमर कच्ची बनाना और मेरी तारीफें ना करना, ये जो बातें की हैं ये उस गुरु महासन मौताकुम हुजूर ने फरमाया अपने फौज शुदगान की अच्छी खसलतें और खूबियां बयान करो, ये उसके तहत मैं कुछ बातें बयान की हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपनी अपने जवार रहमत में जगह दे। अकेला मैं नहीं, ज़माने ने देखा कि जब उनका जनाजा उठा शहनशाह हफ तकलीम को भी वो एजाज़ नहीं मिला होगा जो मेरे बाप को मिला था। हर दिल दुख से भरा था, हर आंख और नम थी, और उस वक्त जब जनाजा उठा तो मैं इस डर से कि कहीं वावेला पैदा ना हो जाए और शरीयत की कोई हद ना टूट जाए जिस पर सारी ज़िंदगी मेरे बाप ने पैरा दिया, कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। वरना मेरे दिल में बात आ रही थी कि मैं बुलंद आवाज़ से कहूँ कि लोगों देखो मेरे पिया की बारात जा रही है, और वे ऐसे ही मंजर था। और इकबाल का वो शेर, अगर आप जिसने मेरे शेख की ज़्यारत की है, इकबाल का वो शेर और फिर उस ज़्यारत के मंजर को सामने लाए, इकबाल ने कहा था नशान मर्द मोमिन बात गोइन चूँ मरग आए तबस्सुम बर लबे उस्त, आ तुझे अल्लाह के बंदे की निशानी बताऊँ, जब मौत आती है उसके चेहरे पे मुस्कराहट फैल जाती है, क्योंकि वो अपने यार को मिलने जो जा रहा होता है तो वो मुस्कराहटें आखिरी दम तक उनके चेहरे पे रही। जिन लोगों ने लहद में उतारा, जिन लोगों ने जनाजे को कंधा दिया, जिन लोगों ने जनाजा पढ़ा, मुझे मुतअद्दद लोग, मुतअद्दद से मुराद सैकड़ों नहीं, दर्जन के करीब लोगों ने मुझे ये कहा है, शायद मुशाहदात कईयों के हों लेकिन बात जहाँ तक मुझे पहुँचा है वो दर्जन से कम लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जिसने जनाजा पढ़ा वो कहता है मेरी बातें डबल हो गई, कोई कहता है पंजगाना नमाज तो मुयस्सर थी लेकिन अब तहज्जुद के सजदे भी मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये है उनका फैजान। दुआ करो कि अल्लाह ताला उनके नकुशे पाक की बरकतें हमें नसीब फरमाए। जब आपको लहद में उतारा जा रहा था तो उस वक्त मेरे दिल में जो दुआ थी, जो लबों पर आना चाह रही थी लेकिन मैं दिल में ही मांगता रहा चूँकि वहाँ हुजूम और रश, तो मैंने कहा था मालिक मैं और कुछ नहीं मांगता, जिस तरह से मेरे वालिद ने ज़िंदगी गुजारी मुझे ऐसी सुथरी ज़िंदगी अता फरमा दी, पाकीज़ा ज़िंदगी जिसमें तसन्नु नहीं था, जिसमें रियाकारी नहीं थी, जिसमें बनावट नहीं थी, जिसमें गर्ज और लालच का ज़िंदगी भर में कोई पहलू नहीं आया था। ज़रा तसव्वुर तो करो, एक शख्स है उसकी 8 बेटियां, उनकी शादी होनी है, 2 बेटे हैं और वो जो है वो 70 और 80 के पेटे में हैं,
और कारोबार भी बिल्कुल जो है वो चंद हजारों पे मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो अपने दामन को गरज से और लालच से पाक रखे हुए है और दुनिया की दौलत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। अपनी हवेली बेच देता है, अपनी भैंसे बेच लेता है, सब कुछ बेच लेता है, और कभी जो है वो इस हवाले से उनके दिल में कभी कोई बात तक भी नहीं आई थी। और मुझे एक दिन जिसके लिए मैं बात सुनाने लगा, फिर बात दूसरी समझ निकल गई कि मैं रात को आया, मैं टांगे दबाने लगा तो मुझे कहने लगे कहाँ से आए हो, तो मैं कहा करता था दरस कुरान से, तो खुश हो जाते कुरान का नाम सुनकर। तो मुझे फिर फरमाने लगे किसी से कुछ लेते तो नहीं हो, मांगते तो नहीं हो। अल्लाह अकबर, मैंने कहा अब्बा जी आपकी तरबियत का सर कभी दिल में भी नहीं आया, ये अल्लाह का फजल है, इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। जब जरूरियात मुंह खोले खड़ी हों और हालात का जबर और महंगाई का तूफान हो तो उस वक्त जो है वो ये काम बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन हमारे सामने उनकी ज़िंदगी है, उन्होंने इंतहाई कठिन हालात के अंदर भी जो है वो इस मामले को जो है वो रखा। और शेख तरीकत और पीर कामल का जो असल रूप था और वो जो हिजाजी फ़क्र है जिसका तस्वुर इकबाल ने पेश किया और मर्द दरवेश की जो अलामतें पेश की हैं, हमने वो सारी अलामतें अपने